नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी ग्राम पंचायत सहायक में भर्ती लेना चाहते हैं उन सभी छात्रों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है। इन कारणों से रद्द किया जा सकता है आपका आवेदन फॉर्म। तो ऐसा कौन सा कारण है जिससे आपका आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है, तो आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अब 10वीं 12वीं में इतने नंबर तभी सिलेक्शन होगा। तो भैया आपको कितने नंबर चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप सबको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना है ताकि मैं आप सबको सही से गाइड कर सकूं। तो चलिए मैं देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मैं सीधा फ्रंट पेज पे आ चुका हूं। यहां पे साफ साफ लिखा गया है, आप यहां पे पढ़ सकते हो, यूपी पंचायत सहायक रिक्वायरमेंट 2021 इन कारणों से रद्द किया जा सकता है आपका आवेदन फॉर्म। भरने से पहले याद रखिए ये जरूरी बातें। तो कौन सी जरूरी बातें आपको याद रखना है सब बारीकी से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे आर्टिकल पे आ चुका हूँ। सीधा मैं आर्टिकल पढ़ के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 58,189 पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के लिए संबंधित ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकता है, जिसके लिए 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने के साथ साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर ली हो। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जिसे पूर्ण रूप से अभ्यर्थियों द्वारा भरकर 2 अगस्त से 17 अगस्त तक राज्य अधिकारी ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा विकास खंड अधिकारी को कार्यालय में जमा किया जाना है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 17 अगस्त तक आपके पास टाइम है। अगर आप नहीं भरे हैं तो नहीं भरे रहेंगे, 17 अगस्त तक आप भर सकते हैं, फॉर्म को जमा कर सकते हैं। अभी भी आपके पास एक दिन का समय बचा हुआ है। और देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि पंचायत सहायक के पदों पर होने वाली इस भर्ती में आवेदनकर्ताओं को चयन उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर तैयार की गई मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो यह भी साफ हो चुका है आपके सामने। और यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट जारी किए जाने के बाद चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति 8 से 10 सितंबर तक कर दी जाएगी। तो आपकी जो नियुक्ति होने वाली है 8 से 10 सितंबर तक आपकी नियुक्ति भी कर दी जाएगी, आपको यह भी क्लियर हो चुका है। और देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आपको बता दें कि मेरिट सूची बनाते समय हाई मेरिट और अभ्यर्थियों के पास उनकी अन्य वांछनीय योग्यताओं को भी मान्यता दी जाएगी, जिसके आधार पर वैधता तय की जाएगी। यहाँ पे ये भी क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इन शैक्षिक योग्यताओं के अलावा उम्मीदवार की आयु सीमा में भी चयन का आधार माने जाने के नियम सम्मिलित किया गया है। इस भर्ती में आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी नियमों का भी ध्यान रखना होगा, ऐसे न करने की स्थिति में उम्मीदवार को आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि इस भर्ती में आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना होगा, ऐसा न करने की स्थिति में उम्मीदवार को आवेदन निरस्त किया जा सकता है। तो कौन सा है ऐसा चीज जिसको आपको ध्यान में रखना है, सब कुछ इसको पढ़ लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इसके लिए आज हम इस आर्टिकल में उन्हीं जरूरी नियमों को साझा। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और NEET का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, साझा करने जा रहे हैं ताकि आवेदन में किसी तरह का गलती ना हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बारीकी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आवेदन फॉर्म में 10वीं 12वीं कंप्यूटर सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आरक्षित जाति का सर्टिफिकेट यदि जरूरी हो और अन्य शैक्षिक योग्यता संबंधित दस्तावेज जरूर लगे होने चाहिए। तो यहाँ पे ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके 10वीं 12वीं और कंप्यूटर की सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र और आरक्षित जाति का सर्टिफिकेट जरूरी है। तो आपको अगर आपके पास ये सब फॉर्म है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्लियर जान लिया है, क्योंकि तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर की मार्क्स नहीं है तो आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ आपको क्लियर हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यदि उम्मीदवार के माता पिता का निधन,
कोविड के दरमियान हो चुका है तो वो उन्हें वरीयता दी जाएगी, लेकिन इस स्थिति में उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में लगानी होगी। तो भैया अगर आपके माता पिता का कोविड 19 के कारण आपका देहांत हो चुका है तो आपको ये फॉर्म मृत्यु प्रमाण पत्र वाला आपको ज़रूरी लगाना है। ओके, यहाँ पर ये भी क्लियर हुआ। और देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आवेदन फॉर्म के 700 रुपये का शपथ पत्र भी शामिल करना होगा। तो शपथ पत्र मतलब आपका जो होता है स्टैम्प पेपर, आपको वो भी यहाँ पर ज़रूरी किया गया है। अगर आपका वो भी नहीं लगा रहेगा तो आपका तब भी निरस्त किया जा सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके। ओके, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि शपथ पत्र न दिए जाने की स्थिति में आवेदन रद्द माना जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो चुका है। और देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भैया पंचायत सहायक के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का वर्तमान प्रधान से आवेदन फॉर्म को प्रमाणित करना होगा। तो प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर आपका इतना सब कुछ मतलब कि अगर आपका इतना सब कुछ वेरीफाई रहता है, सब कुछ सही रहता है, उसके साथ साथ आपका परसेंटेज जो है, मतलब आपका जो परसेंटेज है, मतलब आपका मैं बता दूँ, अगर आपका हाई स्कूल में आपका 80+% है और आपका इंटर में 75% है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अगर आपका इतना सब कुछ वेरीफाई होने के बाद आपको हाई स्कूल में इतने नंबर्स आवश्यक हैं ताकि आप सबका सिलेक्शन हो सके। तो अगर आपका इन सब रूप से प्रतिपूर्ण है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन किया जाएगा। आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मैं कोई भी छोटी बड़ी अपडेट लेके आऊँ तो मैं आप सबको अपडेट करा सकूँ। तो मैंने साफ साफ सब कुछ क्लियर कर दिया है। आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी समझ सके। ओके, तो चलिए अपना तरीके खत्म करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हो।